चौबेपुर के पचोर गांव में एक युवक ने खासा हंगामा काट दिया। युवक ने खुद को कमरे में बंद कर दिया और गैस सिलेंडर चालू करके आग लगाने की धमकी देने लगा। इस दौरान ग्रामीण लगातार इस युवक को बाहर निकालने का प्रयास करते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यह युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को यहां बुलाने की मांग कर रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को कमरे से बाहर निकाल पाई। वहीं युवक का आरोप है कि ग्रामीण उसको यहां से भगाना चाहते हैं, जबकि ये जमीन उसकी है। काहे की डिमांड कर रहे थे तुम? हमारी किसको बुला रहे थे? योगी जी को? किसको? हम देखो, हमारी एक फैसला ये है, ये हमारी माँ ने लिखा है, ये हमारे बड़े भैया गोविंद ने लिखवाया था राजस्थान में, हमारी बीवी भी के लिए लिखा है, ये मेरी माँ ने दिया है, कहती है मेरे बात तुम्हारा यही है। मेरी जमीन का मुकदमा चल रहा है 25 साल से। पिताजी अपने घर द्वार सचेंडी के पैदाइश है, वहाँ से पिताजी हमें यहाँ मामाने में ले आए मेरी माँ की सेवा करने के लिए। वहाँ से आए तब यहाँ हम रहने लगे। यहाँ गांव वाले कहते हैं कि वो जमीन हमारी ही है। तो हमने कहा मम्मी तुमने किसको बेची? तो मम्मी ने कि पढ़े लिखे हैं ना, तुम्हें कोक बेचो ना ही, जब भी कोक बेचो ना तो आदमी कहा हमने 80 लाख का खरीद। कमरे में क्यों बंद किया था? क्या करना चाहते थे? मोहल्ला हमको मारने के लिए दौड़ा रहा था। क्या कर लिया? तो पुलिस को शिकायत करते मौके ही नहीं दे रहे थे हमें मिलने के लिए। कल भाग रहे थे, बिठूर थाने जा रहे थे, दगड़ से घसीट के लाए। सिलेंडर का नाप खोल दिया सर जी, क्या करे, दरवाजा तोड़ के घुस रहे थे। हमने कहा कोई आ गया तो अपनी जान दे देंगे हम, हमें मारो मत, मरे हुए क्या मारोगे लोग।